1, 2, 3 go. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and I finally have my papa on my channel, and this video is going to be a very special video because in today's video my papa is going to be selecting my outfits. It will be 4 outfits and बहुत ही random मैंने कपड़े रखे हैं. सो वो अपने मर्जी से डिसाइड करेंगे. ही बेयरली नोज एनीथिंग अबाउट लड़कियों के फैशन के बारे में ऑब्वियसली. एंड ये बिल्कुल ही राइट टाइम था कि मैं पापा को ला पाई चैनल पे, वरना तो सब बिजी होते हैं. एंड नाउ एवरीवन इज फ्री, तो व्हाई नॉट डू दिस चैलेंज. एंड दिस इज रियली फन चैलेंज एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. सो लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द वीडियो. वो पापा तैयार हैं, आपकी फैशन सेंस अभी टेस्ट होने वाली है. यस रेडी. So these are all the tops, these are the bottoms, and ये थोड़े बहुत accessories हैं, मतलब ये caps accessories हैं, these are bags, and मैंने दो jackets रखी हैं just in case, and yeah. चलो बाबा पहला outfit choose करो. बहुत confusing है मेरे लिए, but I will try my best now. First of all मैं morning से start करूँगा. पहले मॉर्निंग में लोअर, जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाए या फिर घर पे रिलैक्स हो बैठे लोअर, एंड देन इसके साथ अपर बेटर रहेगा. फर्स्ट वन ये अपर रहेगा मेरे ख्याल से, ये बेटर है मॉर्निंग के हिसाब से. और इसके साथ वो ब्लैक वाला बम बैग वो रहेगा, ताकि तू कुछ भी इसमें सामान रख सकती, अपना मोबाइल वगैरह. ठीक है, अगर तू रेसिंग करे या कुछ भी करे उसके बेटर रहेगा. मेरे हिसाब से मॉर्निंग का सबसे बेटर जोड़ा ये रहा. और कोई कैप? नहीं कैप नहीं. चलो ठीक है, एक जोड़ा तेरा ये रहा. दूसरा मैं तेरा जो पसंद करता हूँ उसमें तेरा एक कार्गो है. मुझे पता था छुट्टी वाले दिन जैसे घर पे है तो ये कार्गो मेरा फेवरेट है. इसके साथ नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा. एक मिनट ये देखता हूँ ये कैसा रहेगा. हाँ इसके साथ ये बेटर रहेगा. और इसके ऊपर ये कैप तेरी ग्रे वाली, मेरे ख्याल से तेरा कैजुअल लुक तेरा अच्छा लगेगा इसके ऊपर. ये तो कैजुअल के हिसाब से होगी. और बैग कैजुअल में तेरा वो ब्लैक बैग अच्छा रहेगा. ब्लैक ये कैजुअल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मेरे को बट ठीक है, साथ अच्छा रहेगा. तेरा ब्लैक टॉप है तो ब्लैक साथ okay, अच्छा लगेगा. right, एक तेरा ये जोड़ा हो गया. दो पेयर एक मिनट ये क्या है? टॉप है. अच्छा ये तेरा मेरे ख्याल से ये तीसरा थोड़ा जोड़ा ये हो गया तेरा. थर्ड तेरा वियर एक ये हो गया. इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा. अच्छा लगेगा. और उसके ऊपर तेरा बैग 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 ये अच्छा रहेगा. इसके ऊपर ये बैग अच्छा रहेगा इसके ऊपर. मेरे ख्याल से ये जैसे कहीं घूमने जाओ या फिर रात को पार्टीज वगैरह है उसके लिए बेटर रहेगा ये वाला. मेरे ख्याल से तीसरा तेरा जोड़ा ये रहेगा. अच्छा अच्छा ओके जी. और चौथा जोड़ा ये तेरी कार्गो पैंट है कि नहीं? कार्गो है. नहीं ये लोअर तो नहीं, लोअर हो गया. तेरी पैंट हो गई ना? हाँ वाइट पैंट. मेरे एक तो मेरे ख्याल से वाइट पैंट के साथ ये बनता है. और एक ये इसके साथ कार्गो के साथ मेरे हिसाब से कार्गो के साथ ये ज्यादा जाएगा. नहीं नहीं देखो भाई पूरा वो है नहीं जाएगा. ये वाइट का अच्छा जाएगा. ये पापा का चैलेंज है निक्की. वाइट का अच्छा जाएगा. तू इंटरप्ट नहीं कर सकती बीच में. जैकेट नहीं यूज की पापा आपने? एक जैकेट जैकेट मेरे हिसाब से आपके पास दो टॉप में ये ऑप्शन बचते हैं. मेरी राय मांगो को तो ये जाएगा. नहीं नीचे वाला राय नहीं मांग सकते. नीचे ये जाएगा, ऊपर इसके तू जैकेट ले पहन सकती है. ये अच्छी रहेगी. बैग बैग
इसके बाद बड़ा वाला भी है अच्छा, ये बैग अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ही अटपटी चॉइसेस लग रही है, बट ये अटपटी नहीं है, जब पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। लेट्स सी क्या होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द आउटफिट। थोड़ा बैग से श्योर नहीं हूं बस मैं, बस आप क्या चेंज कर सकते हो बैग, यही सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। नहीं या तू जब तू ड्रेस पहनेगी मैं तब नो अभी करो आप, अभी करना पड़ता है। चलो ये मेरे ख्याल से इससे बेटर ऑप्शन ये वाला है, मुझे भी यही ज्यादा बेटर लग रहा है। मुझे मेरे ख्याल से चारों जोड़े अपने आप में मैंने बहुत बढ़िया बनाए, फुल कॉन्फिडेंस। देखते हैं आप कैसे लगते हैं जब ये कॉन्फिडेंस, मैं तो अच्छी लगूंगी। अब देखते हैं नाउ वॉच सारे एलिमेंट्स काफी अच्छे लगे, क्योंकि पापा को पता नहीं था कि ये दो टॉप मतलब ये कोऑर्डिनेट सेट है। हाँ ऐसे यार क्या, पहली बारी के लिए ठीक है, ठीक है। मम्मा आप, निकी तू कितना रेट करेगी? मेरे तरफ से तो 10 आउट ऑफ 10। मैं भी मैं देना चाहूंगी 9.5 क्योंकि मुझे बैग नहीं पसंद आ रहा है। नहीं मुझे तो बैग अच्छा लगा, बैग बेटर है, अच्छा लग रहा है ना बैग। पापा को तेरे दूसरे बम बैग के बारे में नहीं पता था जो तू इसमें रखती तो शायद वो भी, लेकिन बम बैग अच्छी चॉइस। पापा आपको क्या लग रहा है इस आउटफिट के बारे में जो आपने बनाया है? नाइस, अच्छा लग रहा है। यस चलो लेट्स ट्राई द तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा आउटफिट। मतलब ये पूरा जो भी सारे एलिमेंट्स है, कैप ऐड करना और ये सब चीज़ें ऐड करना, और मतलब बहुत अच्छा लुक लग रहा है, मतलब बहुत थॉटफुल लग रहा है एज़ यू सेड। तो मैं इसको, बट मुझे ना ये पैंट्स इतनी पसंद नहीं आ रही, नॉट अबाउट द आउटफिट, आउटफिट तो अच्छा है, बट ये पैंट्स मुझे ओकेश लग रही है, ये बहुत पुरानी भी है ना। हाँ तो मुझे ये पैंट्स ओकेश लग रही है, बाकी आउटफिट तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई विल रेट इट 9। आप क्या कहोगे पापा? मुझे जब पापा चूज कर रहे थे तो एज यू सॉ ऑन माय फेशियल एक्सप्रेशंस की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। I wanted कि इसको white pants का pair किया जाए, but this turned out to be really good and मैंने कभी पहना भी नहीं है इसके साथ ऐसा कुछ, so yeah I love this outfit। कितना rate करेगी? मैं इसको दूंगी 9.5 because I
वांटेड कि इसका कुछ पिंक कलर का बैग अच्छा लगता था, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसके ये बैग ज्यादा अच्छे लग रहा है, नहीं नहीं ये बैग अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके बीच में कलर आ रहा है टॉप के अंदर, ये वाला कलर आ रहा है इसलिए, ये और ये वाला जो आ रहा है ये, हां जो इसके पे जैसे जैसे लटकाना है वैसे बाजू में लटकाना है, वो आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट भाई, मैं तो एकदम सरप्राइज्ड हूँ ये देख के कि पापा की इतनी अच्छी चॉइस है कपड़े बनाने में और इतनी थॉटफुल है हर चीज़, और मुझे तो ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और मुझे ये बैग ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पिंक। तेरे वैसे भी फेवरेट आउटफिट, हाँ ये बैग बैग है मेरा फेवरेट, बट ये मतलब एक बहुत वो दे रहा है इसको ना, सटल लुक दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये कलर कोऑर्डिनेशन वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इसको दूंगी 9.5। और पापा ने एकदम नए आउटफिट बना दिए, लाइक ऐसा आउटफिट निकिता ने पहले पहना भी नहीं है, अब तो चेंज कर सकती, तो निकिता अब तो ये आउटफिट पहन के बाहर जा सकती है, अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ इसको, हाँ निकिता की तू कैसे कपड़े वियर कर रहे हैं, मेरी बात मानेगी और मैंने इसको दिया मेरी तरफ से तो 10 out of 10, मेरे को बहुत अच्छा, पर पापा को वैसे भी पर्सनली निकिता का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और निकिता के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो चल मैं आल्सो निकिता का फैन, सबके पापा अपने बच्चों के फैन होते हैं, बट आई एम यू आर Die Hard fan. Die Hard fan. Next outfit pe chale. Yes. Ab kaisa lag raha hai bata? This is the fourth outfit and to be very honest, mere ko expected nahi tha ki ye itna acha lagega aur na main kabhi matlab main kabhi bhi nahi panty white ke sath टाइगर प्रिंट या कोई भी कभी अलग-अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए ना, ताकि उसे पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, बट ट्राई करने में अच्छा लगा ना, एंड द बैग द चॉइस ऑफ द बैग इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द प्रिंट एंड आई लव दिस आउटफिट, आई थिंक कि मैं हमेशा इसको सोचती थी कि ब्लैक के साथ पहनूंगी या फिर ब्लैक स्कर्ट या ऐसा कुछ, बट दिस इज वेरी न्यू एंड दिस लुक्स ग्रेट, सो आई विल रेट इट, तो काटने के लिए तो कुछ जरूरी है नहीं, तो ये मेरा तो ये पर्सनली फेवरेट आउटफिट है अब तक का, और ये मैं तो वेट नहीं कर सकती कि मैं भी इसको दोबारा एज इट इज सेम आउटफिट पहनूं, और मुझे कभी ही नहीं लगा था कि वाइट के साथ ये चीज़ अच्छी लगेगी, बट बहुत ही रिजल्ट आता है, बहुत ही अमेजिंग आउटफिट है ये, मतलब आई लव इट, तो मैं भी इसको 10 out of 10 दूंगी, दैट्स इट्स माय फेवरेट अभी तक सारे आउटफिट्स, मैं भी मम्मी मुझे तो इतना स्टाइलिंग का कुछ पता नहीं है, आजकल की नहीं है ना, पुरानी है ना, पर बाकी ये कि पापा का पर्सनली जो टाइगर प्रिंट है ये इनका बहुत फेवरेट है काफी टाइम से, और इन्होंने बड़ा अच्छे से हर चीज को मतलब कॉम्बिनेशन देके जैसे बैग के साथ मजा, अब आई होप ये मेरी राय है करेंगे कपड़ों में बिल्कुल, बाकी हमें पता नहीं ये आउटफिट तो मतलब सारे आउटफिट्स ही बहुत अच्छे हैं और ये उनमें से सबसे अच्छा है, तो मतलब इट्स अ हिट हिट हर चीज, मैं अपनी शॉप पे होऊंगा ही मेरे को फोन करा करेंगी कि पापा मैं कौन से पहनूंगा, तब मैं डिसाइड करूंगा, अब लास्ट वन मत देखना है कि मम्मी रेट दो आप पहले, इनको मैं लास्ट में डाउट लग रहा है बट मेरे हिसाब से अच्छा लगेगा, देखते हैं आप क्या होता है, लेट्स सी, मैं 9 वैसे तो अच्छा है पर वैसे ही मैंने कह दिया 9 अदरवाइज, बट निकिता यू लुक स्टनिंग, थैंक यू, लास्ट ऑफ बिकॉज मी, हां बिकॉज ऑफ यू, दिस इज द लास्ट आउटफिट एंड माय मोस्ट फेवरेट आउटफिट, और मैं सच में बता रही हूँ कि जब पापा ये चूज कर रहे थे मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और बट नाउ आई थिंक कि मतलब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना मैं वैसे ही पहनने वाली हूँ इसको, चाहे मेरे को अपनी मार्केट में जाना हो बट मैं इसको पहनने वाली हूँ, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू वेयर दिस, एंड आई लाइक द आइडिया ऑफ द बिहाइंड द आउटफिट कि मतलब पूरा एकदम न्यूडिश जा रहा था एंड विद द जैकेट इट जस्ट एडेड द पॉप ऑफ कलर एंड बिल्कुल ही
मतलब मैं अपने आप को समझती थी कि ठीक है मेरी फैमिली में मैं ही सबसे ज्यादा फैशनेबल हूँ, बट आज मेरे को पूरी सच्चाई पता चल गई है कि मैं कुछ नहीं हूँ. बिकॉज़ क्योंकि इसके साथ मैच कर रहा है ना सॉबर के साथ, ऊपर डार्क उठ के आ रहा है एकदम, ताकि वो हर चीज को उठा रहा है. वही हर कलर हर चीज को उठा रहा है. और मुझे बहुत पसंद आ रहा है. आई लाइक द फैक्ट कि मेरे स्टाइल को और ज्यादा इनहांस कर रहा है, क्योंकि मैं मतलब मेरे को यही सब चीजें पहनना ज्यादा पसंद है, दीज कार्गो पैंट्स और ये जॉगर्स वगैरह. सो आई थिंक कि मैंने कभी सोचा नहीं था ये आउटफिट, एंड इट जस्ट गोज राइट विद माय स्टाइल. रेट 10,000 प्लस. मुझे तो ऐसा लगता है हर आउटफिट के साथ ही ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है. मतलब पापा अपने आप को ही मतलब वो करे जा रहे हैं, आउट रन कर रहे हैं. और ये आउटफिट से तो मुझे जीरो मतलब माइनस में एक्सपेक्टेशंस थी. मुझे लगता है पापा ने सबसे गंदा आउटफिट यही बनाया, बट ये इवेंचुअली सबसे बेस्ट आउटफिट निकला. एंड मतलब ये एकदम ऐसा स्टाइलिश आउटफिट है कि मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया ये आउटफिट. और ये मैंने टॉप इतने सालों से ले रखा है, मतलब बहुत टैग भी इसका हमने अभी उतारा है. एंड मैंने इसको आज तक नहीं पहना, बिकॉज आई वाज जस्ट सो कंफ्यूज कि मैं किस कैप पहनू कैसे स्टाइल. बाद मैंने ये क्लियर कर दिया किस कैप. अब आपने अपने खुद के पैसे बचा लिए, वरना हमें फेंकने वाले थे टैग के साथ. पहले मेरे रेटिंग, मैं तो इसको देना चाहूंगी 10,100 जो भी. चल ठीक है, आप बताओ. द सेम वही बात है कि मुझे भी नहीं लगा था कि इतना. मुझे लगता है सबसे गंदा मतलब चॉइस पापा ने किया कि कैसा डल और ये सब गया था. अब हमने सोच लिया की मैंने और दीदी ने की हम मम्मा के साथ जाते थे पहले शॉपिंग, पर अब नहीं जाएंगे. अब मम्मी काम पे जाएंगी, पापा हमारे साथ शॉपिंग पे जाया करेंगे. हमारे को पता चल गया कि अब क्या हम कर सकते हैं फ्यूचर में. दीज आर सम रियली रियली ट्रेंडी आउटफिट्स. आई लव ऑल ऑफ देम. एंड आई थिंक कि लॉकडाउन के बाद मेरे को शॉपिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं में से जब इतना कुछ हो रहा है तो पापा की एडवाइस के साथ. आई होप मेरे पैसे बच गए. तो पापा की एडवाइस के साथ जो ऑलरेडी है उसको मैं स्टाइल करने की कोशिश करूंगी और फिर शॉपिंग में जाऊंगी. तो शॉपिंग तो होगी इवेंचुअली. नेवर माइंड. सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. एंड आप भी ट्राई कर सकते हो कि आपके पापा के अंदर क्या पता है सब कुछ टैलेंट हो. सो यू कैन जस्ट डू दिस वीडियो फॉर फन. बट हर पापा में टैलेंट नहीं होता. शायद किसी के पापा में निकला है. Shad, but not comparison. Okay, so I'll see you in the next one. Make sure you like this video. Comment down which was your favorite outfit and rate them ki aapko kaisa laga. And subscribe to my channel if you haven't yet. And I'll see you in the next one. Bye. So rating kare, mere ko dekhi kare kyunki sab mehnat. Haan, outfit ko rate kare. Okay. Bye. Bye.